हेलो फ्रेंड्स, माथुर क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने आईटी इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज अपन फर्स्ट सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर अपन ने डीसी मशीन के बारे में पढ़ा था, जैसे जनरेटर और मोटर के बारे में अपन ने पढ़ा था। वो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। आज अपन इस वीडियो में अपन देखेंगे एसी मोटर का वर्गीकरण कि भाई एसी मोटर होती है वो किस प्रकार की होती है और इस कौन कौन से प्रकार की होती है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। अपन ने डीसी मोटर में भी पढ़ा था कि जो मोटर होती है वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो मोटर कहलाती है। तो एसी मोटर में भी यही होता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हूँ, मोटर कहलाती है। अब जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, जैसे अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पंखा ही है, पंखे के अंदर मोटर लगी हुई होती है एसी मोटर। तो उसमें क्या होता है कि अपन सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या हो गया एसी सप्लाई देते हैं, तो क्या विद्युत ऊर्जा मतलब कि एसी सप्लाई दी और वो किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मतलब कि एसी सप्लाई देंगे अपन पंखे को और वो रोटेट करके वो मैकेनिकल एनर्जी से ही वो रोटेट करके काम करता है, तो वो एसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, वो मोटर कहलाती है। एसी मोटर क्या होती है, दो प्रकार की होती है। क्या होती है एसी मोटर, दो प्रकार की होती है। एक होती है अतुल्यकालिक मोटर और दूसरी होती है तुल्यकालिक मोटर। अतुल्यकालिक मोटर क्या है इसका नाम, इसको एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, या इसका नाम इंडक्शन मोटर भी होता है, या इसको नॉन सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं और इसको प्रेरण मोटर भी कहते हैं। क्या हो गया, अतुल्यकालिक मोटर। अतुल्यकालिक के बहुत सारे नाम हो गए, कौन कौन से हो गए, एसिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, नॉन सिंक्रोनस मोटर और प्रेरण मोटर इसके नाम हो गए। अब जो अतुल्यकालिक मोटर है इसको फेज के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, फेज के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड होते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है ये भी क्या, तीन प्रकार की होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और तीसरी होती है कम्यूटेटर मोटर। अब जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है ये भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, सिंगल केज रोटर टाइप मोटर और डबल केज रोटर टाइप मोटर। तो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ये तीन प्रकार की है, कौन कौन सी है, पहली हो गई स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरी हो गई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तीसरी हो गई कम्यूटेटर मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है ये दो प्रकार की होती है, कौन सी, सिंगल केज रोटर टाइप मोटर और दूसरी होती है डबल केज रोटर टाइप मोटर। अब अपन देखते हैं कि सिंगल फेज मोटर कौन कौन सी होती है। सिंगल फेज मोटर होती है वो भी बहुत सारे प्रकार की होती है। सिंगल फेज मोटर अपने क्या है कि दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह जो चीज़ अपन यूज़ लेते हैं, सभी जो होम अप्लायंसेज होता है या घरेलू कोई भी आइटम होता है सभी में सिंगल फेज मोटर ही हो जाती है। और जो थ्री फेज मोटर होती है वो ज़्यादातर क्या है, फैक्ट्रियों वगैरह में जहाँ काम आती है। सिंगल फेज अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह काम आती है। देखते हैं अपन सिंगल फेज मोटर कौन कौन सी है। पहली होती है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कौन सी होती है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। दूसरी होती है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कौन कौन सी होती है, पहली स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है
वो भी तीन प्रकार की होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तीसरी होती है सेडेड पोल मोटर। चौथी होती है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का आपने नाम सुना ही होगा, इसका उपयोग कहाँ पे होता है ये अपन पूरा पढ़ेंगे। फिर पांचवी होती है रिपल्सन मोटर। फिर रिपल्सन मोटर होती है, ये भी क्या है, तीन चार प्रकार की होती है। पहली होती है सामान्य रिपल्सन मोटर, दूसरी होती है कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर, तीसरी होती है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और चौथी होती है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। कौन सी है ये? रिपल्सन मोटर। कितने प्रकार की हो गई? चार प्रकार की। कौन सी हुई? सामान्य रिपल्सन मोटर, दूसरी हो गई कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर, तीसरी हो गई रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, चौथी हो गई रिपल्सन इंडक्शन मोटर। अब जो आती है छठी जो मोटर आती है वो होती है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो कितने प्रकार की हो गई? छह प्रकार की। कौन कौन सी हुई बताओ? पहली होती है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, तीसरी होती है सेडेड पोल इंडक्शन मोटर, चौथी होती है यूनिवर्सल मोटर, पांचवी होती है रिपल्सन मोटर, छठी होती है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो कैपेसिटर मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, ये भी क्या होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर रन मोटर। और जो रिपल्सन मोटर होती है ये भी क्या है? चार प्रकार की होती है। कौन सी होती है? सामान्य रिपल्सन मोटर, कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर, तीसरी होती है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और चौथी होती है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। पहली थी असिंक्रोनस मोटर, अब दूसरी होती है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक सामान्य सिंक्रोनस मोटर और दूसरी होती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो मोटर का वर्गीकरण, इसी मोटर का वर्गीकरण अपन ने देखा कौन कौन सी होती है। एक तो होती है असिंक्रोनस मोटर, दूसरी होती है सिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर होती है वो फेज के आधार पर दो प्रकार की होती है, थ्री फेज और सिंगल फेज। थ्री फेज वाली जो मोटर होती है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और कम्यूटेटर मोटर। जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है, सिंगल केज रोटर टाइप मोटर और डबल केज रोटर टाइप मोटर। और जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो भी बहुत सारे प्रकार की होती है। पहली होती है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, तीसरी होती है सेडेड पोल इंडक्शन मोटर, चौथी होती है यूनिवर्सल मोटर, पांचवी होती है रिपल्सन मोटर और छठी होती है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये तो होगी असिंक्रोनस मोटर। अब जो दूसरा आती है सिंक्रोनस मोटर। जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये दो प्रकार की होती है, एक सामान्य सिंक्रोनस मोटर और दूसरी होती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका क्या वर्किंग होता है और क्या काम होता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।